नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। सत्ता बनाए रखने को हो रही प्लानिंग, फिर भी कार्यकर्ताओं की चुनौती से परेशान हो रही बीजेपी। आखिर क्या है 2024 में सत्ता वापसी का मूल मंत्र कि नहीं दे रहे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को टिकट। राजनीति के सियासत में कब क्या बदल जाए, इस बात का पता तो बस चुनाव से पहले लगता है। और ऐसा ही अब प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट को उतार कर वोट बैंक का गांव खेल रही है, तो दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंडिडेट को टिकट ना देकर बाहरी कैंडिडेट को टिकट देकर क्षेत्र में उतारना भाजपा के लिए चुनावी मैदान में कड़ी चुनौतियां देने का काम कर रहा है। जी हां, बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट ना मिल पाने से बड़ी संख्या में असंतुष्ट और नाराज कार्यकर्ता बागी प्रत्याशी के तौर पर इस बार मैदान में आ चुके हैं और इन कार्यकर्ताओं की बगावत से भाजपा चौतरफा जूझ रही है। वहीं प्रदेश के सभी हिस्सों में चुनाव मैदान में बागियों की मौजूदगी ने पार्टी के सामने चिंता के साथ चुनौती भी पैदा कर दी है और पार्टी बगावत की आग को बुझाने में जुट तो गई है, पर कैसे बुझेगी ये आग अभी तक इसका कोई अंदाजा नहीं है। बता दें, इन बागियों को मनाने की जिम्मेदारी विधायकों, सांसदों और प्रभारी मंत्रियों को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपी गई है। तो वहीं इस बार सत्ताधारी भाजपा में टिकट के ख्वाहिशमंदों के बीच जबरदस्त मारामारी देखने को मिली थी, जिसके बाद टिकट वितरण में एक अनाथ सौ बीमार वाली स्थिति से जूझ रही भाजपा ने इसी वजह से दोनों चरणों में नामांकन की समय सीमा खत्म होने से 24 घंटे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। पर जहां एक अनाज सौ विमान वाली बात है, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि पार्टी ने कई लोकप्रिय क्षेत्रीय नेताओं को टिकट ना देकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है। ऐसे में वो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिससे बीजेपी के वोट बैंकों में घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है और ये घाटा कितना होगा ये तो चुनाव के परिणाम के आने के बाद ही पता चलेगा। इस बात पर पार्टी को चिंता यह भी है कि ये प्रत्याशी चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के मतों में सेंध तो लगाएंगे ही, तो वहीं फील्ड में पार्टी के लिए माहौल भी खराब करेंगे। खासतौर पर सीमित दायरे में होने वाले नगर पालिका परिषदों और निकायों के वार्डों के चुनावों में जहां हार जीत का अंतर कम होता है, वहां ये प्रत्याशी परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। और ये सियासी नोकझोंक अगर इस निकाय चुनाव में नहीं संभली तो इसका असर लोकसभा के चुनाव में भी गहरा पड़ सकता है, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में पार्टी के पास समय भी काफी कम है। अगर प्रत्याशियों के समर्थकों और पार्टी के बीच कटुता बढ़ेगी तो असर अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय। इसीलिए पार्टी बागियों को मनाने के लिए सारे जतन कर रही है। बता दें कि मंगलवार को भाजपा के राज्य मुख्यालय पर अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बागियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की चिंता भी झलकी। इसी लिहाज से पार्टी के विधायकों, सांसदों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों से इन निराश प्रत्याशियों को मनाने के लिए कहा गया है। ऐसे मौके पर भाजपा की कोशिश यही है कि समय रहते ये बागी प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने के लिए राजी कर लिया जाए। तो वहीं चरण के लिए जो बागी मैदान में है उन्हें भी अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए मनाया जाए। अभी कोशिश किस हद तक सफल होगी ये तो चुनाव होते होते दिख ही जाएगा और किस तरह से इस बार ये बागी प्रत्याशी चुनाव में बीजेपी के लिए कई क्षेत्रों में एक रोड़ा बनेंगे, ये भी चुनाव के रिजल्ट के बाद देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात ये है कि जहां एक तरफ भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए दमदार दांव खेला है जिससे विपक्ष भी बौखलाया हुआ है, तो वहीं ये पार्टी की आपसी कटुता से निपटने का क्या खास इंतजाम बीजेपी ने किया है, ये जल्द ही चुनाव के नतीजों के बाद सामने आएगा।
आगे बने रहिए ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।